उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी अपने दर्जनों भर कार्यकर्ताओं को साथ लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने सिटी में ई रिक्शा के आवागमन को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी ने बताया कि आज ये ज्ञापन सौंपा है कप्तान साहब को, क्या मामला है? शहर में दुपहिया वाहन पर रोक लग गई थी, रिक्शाओं पर रोक लग गई थी। इस संबंध में हमने पुलिस अधीक्षक महोदय को 3 दिन पहले ज्ञापन भी दिया था, तो दुपहिया वाहन सुचारू रूप से आवागमन उसका शुरू हो गया था। लेकिन आज की तारीख में जो है रिक्शाओं पर लेकर के पाबंदी है, ई रिक्शाएं बाजार के अंदर नहीं जा पा रही है, जिसको लेकर व्यापारी समाज परेशान है, रिक्शा वाले भी परेशान है, आम जनता परेशान है। लोग अपने डॉक्टर्स के पास नहीं जा पा रहे हैं, बच्चियां ट्यूशन नहीं जा पा रही हैं, स्कूली बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इस बात को लेकर के हमने आज पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन दिया है और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जल्दी इस समस्या का समाधान हो जाएगा और 2-1 दिन के अंदर ही रिक्शाएं शहर के अंदर चलना शुरू हो जाएंगी। इस बात का पुख्ता आश्वासन उन्होंने दिया है कि व्यापारियों को और आम जनता को किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, रिक्शा वालों की समस्या का समाधान हो जाएगा। जय व्यापारी, जय व्यापार।